अजय सर दिल एक ही है, इसे कितनी बार जीतोगे? मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूँ। जिस तरीके का क्लाइमैक्स था उसे देखकर जो तालियां बजी हैं थिएटर में, अगर आप वहाँ पे होते तो मुझे लगता है कि यार महसूस होता कि फैन फॉलोइंग क्या होती है। भाई मैं तो पागल सा ही हो गया था देख के मूवी को, जिस तरीके के सीन्स हैं बीच बीच में और फिर सर की जो एक्टिंग है ना, मतलब अलग ही लेवल की। अब शायद थोड़ा सा इमोशंस को साइड में हटा के वीडियो बनानी पड़ेगी तो ठीक है, लेकिन बाकी में मूवी कमाल की है। चलिए करते हैं डिटेल रिव्यू मूवी के बारे में, क्या कुछ इसमें होने वाला है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और 30 लाइक एटलीस्ट जरूर करा देने हैं, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलेगी तभी कुछ करने का मन करता है। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। फर्स्ट पार्ट की कहानी खत्म होती है आईपीएस मीरा और उसके हस्बैंड से, जहां पर वो एक जगह पर बुलाकर विजय से पूछते हैं कि मेरे बेटे का क्या हुआ, वो कहां है, अगर आपको कुछ पता हो तो बता दीजिए, हम इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। उस समय पर थोड़ा सा क्लू अजय देवगन दे देते हैं कि हमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसके रास्ते में जो भी आया उसको दूर कर दिया। लेकिन अब इस पार्ट में आईपीएस मीरा करीब 7 साल बाद वापस आती हैं और चाहती हैं उनके बेटे की हत्या का उनसे बदला लिया जाए और फाइनली अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं कि उनके बेटे को कहाँ रखा है, कहाँ गाड़ा है। लेकिन अजय देवगन के सामने उनका दिमाग कहाँ ही चल पाता है, फोर्थ क्लास फेल एक आदमी, ऐसा आदमी जो इस तरीके से दिमाग लगाता है इस वाली मूवी में भी, जिससे नया जो आईपीएस जो कि मीरा का दोस्त है वो भी अपनी बातों से उसे कबूलवा नहीं पाता है। खूब पिटाई होती है, सारी चीज़ें अगेन पहले पार्ट की तरह होती हैं। बीच बीच में ऐसा लगता है कि अजय देवगन अब तो फाइनली फंस ही गए हैं। फिर से एक खुरापाती आइडिया आता है अजय देवगन के दिमाग में और वो बच निकलते हैं। यही चीज़ें जो हैं हर एक मिनट में, जो क्लाइमैक्स है, जो सस्पेंस से भरे हुए सीन्स हैं, वही आपका दिल जीतने वाले हैं, वही इस फिल्म में जान डाल देते हैं। वाकई में अजय देवगन की एक्टिंग भले ही सीधे साधे वाली है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में अपने आप को दिखाया है, एक्टिंग करी है, सभी का दिल जीत लिया है। कहने के लिए ये कहा जा सकता है कि ये इस फिल्म के इंद्रधनुष हैं और वाकई में इंद्रधनुष वाला ही काम किया भी है। भाई आप लोग इस फिल्म को जरूर देखना। अगर मैं इस मूवी को स्टार रेटिंग की बात करूं तो मैं दूंगा 4 out of 5 stars। बाकी का रीमेक मूवी है लेकिन फिर भी जानदार है। अगर आपने मलयालम मूवी देखी भी है तो फिर भी आप इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि जितने भी क्लाइमैक्स हैं उसमें डायरेक्टर ने कुछ अलग नया खेल खेला है। सारी चीज़ें तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, नहीं तो आपका मजा खराब हो जाएगा, आपको फील नहीं आएगी मूवी देखने की। मूवी को जरूर देखना फाइनली। और जाते जाते अगर वीडियो यहां तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।